Hi, hello everyone. Welcome to my channel Tarot 313. I hope you all are doing great. So guys, आज की रीडिंग है आपके पर्सन आपके लिए आज क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी आज की क्या फीलिंग्स इमोशंस हैं, क्या भावनाएं हैं उनकी आप लोगों के लिए. आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, ब्लॉक सिचुएशन है या लीस्ट कॉन्टैक्ट भी है तो भी आप लोग रीडिंग को देख सकते हैं. रीडिंग गाइस कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस. आप इस रीडिंग को मेल फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हैं. टाइमलेस रीडिंग्स हैं. आप मेरे चैनल पर जितनी भी रीडिंग्स हैं सबकी सब टाइमलेस है. आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट ज़रूर होगा. जितना रेजोनेट होगा इस उतना रखें, बाकी को जाने दें, वो किसी और के लिए मैसेज होंगे क्योंकि काफ़ी लोग देख रहे होते हैं रीडिंग्स को, ठीक है. और वैसे भी ये जनरल रीडिंग होती है, आपकी पर्सनल नहीं होती. सो अगर आपसे रेजोनेट नहीं भी हो रही तो काइंडली आप लोग समझिए इस बात को. ओके सो गाइस, आप चैनल पे न्यू हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मस्ट शेयर करें. ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू रीडिंग आपको मिले, उसका नोटिफिकेशन आपको ही मिस ना कर सकें. और जब मैं लाइव सेशन फ्री रीडिंग्स करूँ Q&A तो वो भी आपको नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाएगा, ठीक है. सो आप मेरा लाइव सेशन जो है वो मिस नहीं कर पाएंगे. अगर आप पर्सनल सेशन बुक करवाना चाहते हैं आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं. ईमेल आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा. इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पे मेंशन है, मुझे वहाँ पे भी आप लोग गाइस मस्ट फॉलो करें बिकॉज वहाँ पे भी शॉर्ट रीडिंग्स पोस्ट की जाती हैं. सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आज के आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं. अपने पर्सन पर फोकस करिए, इस वीडियो को लाइक करें ताकि आपकी और इस रीडिंग की एनर्जी कनेक्ट हो सके. हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं. पॉजिटिव रहिए गाइस कि आपके पर्सन उनकी फीलिंग्स क्या हैं आज आपके लिए, कैसा महसूस कर रहे हैं. सो फर्स्ट वी हैव फ्रेंडशिप, देन वी हैव रिट्रीट, देन वी हैव म्यूजिक. हो सकता है आप लोग ऑलरेडी इस पर्सन के फ्रेंड हो. कुछ लोग यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के लिए रीडिंग को देख रहे हैं. बॉटम ऑफ द डेक है डिवाइन टाइमिंग. कुछ लोग यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के लिए रीडिंग्स को देख रहे हैं जो कि आप लोगों का आपके फ्रेंड्स है. किसी बात पे हो सकता है आप लोगों का मिसकम्युनिकेशन हुई है या फिर आप लोगों का झगड़ा हो गया. इस टाइम आप बात नहीं कर रहे लेकिन आपके जो फ्रेंड हैं ये आपसे दोबारा फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं, ठीक है. और जो लोग अपने पार्टनर के लिए रीडिंग को देख रहे हैं, आपकी उनके साथ फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी थी. एक तो आप लोगों का रिलेशनशिप भी उनके साथ था बट फ्रेंडशिप आपकी ज़्यादा अच्छी थी उनसे. आप लोग बहुत अच्छे फ्रेंड थे एक दूसरे के साथ. लेकिन इस पर्सन ने हो सकता है पास्ट में मिसबिहेव किया है, आप लोगों को अच्छे से ट्रीट नहीं किया. अब ये आपको अच्छे से ट्रीट करना चाहते हैं और ये पर्सन वेट कर रहा है डिवाइन टाइमिंग का. कब इस पर्सन की टाइमिंग आएगी डिवाइन की तरफ से और आप लोगों के साथ दोबारा से यूनियन होगा और जैसे फ्रेंडशिप पहले कभी पास्ट में थी या पहले आप लोग एक अच्छे फ्रेंड्स थे, आप लोग एक दूसरे की बात समझते थे, अंडरस्टैंड करते थे, आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ इंजॉय करते थे, एक दूसरे की कंपनी को इंजॉय करते थे, अपने दिल की बातें एक दूसरे से शेयर करते थे, तो वो टाइम दोबारा ये पर्सन चाह रहा है कि दोबारा से वो टाइमिंग आए. इस टाइम आप लोगों के पर्सन जो हैं कुछ इंटरेस्टिंग म्यूज़िक सुन रहे हैं जो आप लोगों को भी पसंद था बहुत ज़्यादा, या आप लोगों ने कुछ हो सकता है सॉन्ग्स इनको रिकमेंड किए हों या आप लोगों ने कुछ अपने फेवरेट सॉन्ग इस पर्सन को बताए हों कि जो आपको पसंद हैं और ये पर्सन उन्हीं जो है ना म्यूज़िक उसी सॉन्ग्स को सुन रहा है. हो सकता है ये पर्सन खुद म्यूजिशियन हो सकता है, खुद हो सकता है इस पर्सन को सिंगिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है या इस पर्सन ने कोई आप या हो सकता है गाइज आप लोगों ने इनको कोई सॉन्ग जो आपकी पसंद का था वो आपने इस पर्सन को जो है डेडिकेट किया है, सॉरी आपने इस पर्सन को डेडिकेट किया सॉन्ग. वो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सॉन्ग सुनता है और उसके लिरिक्स सुन के हो सकता है उसमें कोई मैसेज ऐसा है जो कि आप अपने दिल की बात कहना चाहते थे और आप लोगों ने इस पर्सन को कहा कि ये म्यूज़िक सुनो. इस वजह से ये पर्सन वो म्यूज़िक को काफ़ी ज़्यादा ऑन रिपीट सुनता है, ठीक है. और आपके साथ फ्रेंडशिप डेफिनेटली ये रखना चाहता है. एक रिलेशनशिप से पहले जो फ्रेंडशिप था ये पर्सन उस फ्रेंडशिप्स को मिस कर रहा है और आपके साथ फ्रेंडशिप बनाना चाहता है दोबारा से. लेकिन ये पर्सन वेट कर रहा है डिवाइन टाइमिंग का कि कब डिवाइन की तरफ से आप लोगों का यूनियन होगा, डिवाइन टाइमिंग आएगी और ये पर्सन जो है आप लोगों के साथ दोबारा से वही मोमेंट जो है इंजॉय कर पाए, ठीक है. सो चलिए कुछ और मज़ीद देखते हैं कि क्या महसूस कर रहे हैं आप लोगों के पर्सन, आपको क्या कहना चाहते हैं या आप लोगों के लिए क्या महसूस कर रहे हैं आप लोगों के पर्सन की क्या फीलिंग्स इमोशंस हैं करंटली. हमारे पास है फेथ. यस, ये पर्सन को यूनिवर्स पे बहुत ज़्यादा फेथ है गाइस. डिवाइन टाइमिंग पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है, ठीक है, कि आप लोग मिलोगे ज़रूर. इस पर्सन को रीयूनियन के ऊपर पूरा ट्रस्ट है कि किसी ना किसी दिन आप लोग मिलोगे ज़रूर एक दूसरे के साथ, चाहे अब वो जल्दी टाइम आए या लेट टाइम आए, इट डजेंट मैटर. तो ये पर्सन को लग रहा है, लगता है यही है कि आप लोगों की तरफ से
जो कनेक्शन है वो डिवाइनली गाइडेड है। किस्मत की तरफ से आप लोगों का मिलना था, किस्मत की तरफ से आप लोगों को मिलवाया गया है एक दूसरे से। ये व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी दे रहा है कार्ड। वैसे भी जब मैं देखती हूँ जो एनर्जी से व्हील ऑफ फॉर्चून की आती है, इस पर्सन का स्टार सैजिटेरियस हो सकता है, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो भी हो सकता है। यस, लिब्रा की एनर्जी भी मुझे आ रही है, ये पर्सन लिब्रा भी हो सकता है। बट इस पर्सन को फेथ है बहुत ज़्यादा कि आप लोग मिलोगे ज़रूर, आपका यूनियन ज़रूर होगा, आप एक ज़रूर होगे। और वैसे भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है किस्मत पे। देन वी हैव एनर्जी, इस पर्सन की एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है आप लोगों को लेके। ये आप लोगों के साथ कंप्लीशन चाहता है। ये पर्सन दुनिया के कहीं भी किसी कोने में भी चला जाए या कहीं पे भी घूम ले, ये पर्सन को स्टिल आप लोगों की एनर्जी फील होती है। इसको लगता है आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड हो। ये मुझे कुछ हद तक ऐसे लग रहा है जैसे ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है मुझे आज की रीडिंग से। देन वी हैव पीस, आप लोगों के साथ ये पर्सन पीस फील करता है। आप लोगों से बात करके, आप लोगों की कंपनी में बैठ के, जहाँ पर आप लोग मौजूद हो वहाँ पर ये पर्सन होता है, तो इसको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। इसको आपसे जो इजीली ये पर्सन बातें कर लेता था ना, अपने दिल की या अपनी फीलिंग्स को ही बताता था आपको, तो ये वो चीज़ें बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, उस फ्रेंडशिप को मिस कर रहा है जब ये पर्सन आपसे विदाउट एनी हेसिटेशन अपने हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करता था, आप इसको अंडरस्टैंड करते थे। बट अभी वो चीज़ें नहीं हो रही, इस वजह से ये पर्सन इन सब चीज़ों के बारे में जो है काफ़ी ज़्यादा याद कर रहा है। इसको कॉन्शियसनेस, ये पर्सन आप लोगों के बारे में सोचता रहता है, और ऐसे लग रहा है ये पर्सन जो सोचता है वो सोच आपकी तरफ भी कन्वर्ट होती है, आप लोगों को सिग्नल्स मिलते हैं। ये पर्सन सोचता बहुत ज़्यादा है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है। एरिस लियो सैजिटेरियस की एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। ये सोचता बहुत ज़्यादा है आपके बारे में। इस पर्सन को आपको सोचने से ही ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन को मेंटली पीस मिलता है। चलिए कुछ और मज़ीद देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। लास्ट में मैं टैरो से भी देखूंगी रिवर्स के पार्टनर्स क्या महसूस कर रहे हैं उनके लिए। हमारे पास है गाइस डिवाइन टाइमिंग, टू टाइम्स डिवाइन टाइमिंग रिपीट हो रही है गाइस। ये पर्सन यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहा है, और मुझे लग रहा है यहाँ पे आप लोगों का यूनियन डिवाइन टाइमिंग पे ही है। डिवाइन टाइमिंग आपकी 1 वीक में भी आ सकती है, 1 मंथ में भी आ सकती है, 1 ईयर में भी आ सकती है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन द यूनिवर्स, ठीक है। लेकिन ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। यस, आप लोगों को लगता है जैसे आपका ये पर्सन कोई चीज़ आप में मिस है, जो ये पर्सन आप लोगों में ढूंढ रहा है और आप इस पर्सन में ढूंढते हो। डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। मैं ये कार्ड लूँगी एंड यहाँ से ये डेक को साइड पर रख दूँगी, ठीक है। यस, आप लोगों की लाइफ में ये इवेंट आना है जब आप लोगों की मीटिंग होनी है, और वो टोटली ऐसे ही होगा जैसे एक फैंटेसी है आप लोगों के लिए। ये बहुत रेयर होता है कि कार्ड आए। आई डोंट थिंक सो, ये कार्ड हार्डली 2nd टाइम आया होगा इस डेक से। देन वी हैव फॉलिंग इन लव, सडन फीलिंग दैट दिस इज़ द वन। इस पर्सन को फील हो रहा है गाइस आप लोग ही एक पर्सन हो जो इसके लिए बनाए गए हो। आप लोगों की दोनों की स्किन टोन डार्क भी हो सकती है, आप सेम हो, आपका कलर कॉम्प्लेक्शन भी सेम होगा, तो काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन आप लोगों के ना साथ डीपली अपना लव फील कर रहा है। इस टाइम तो टोटली लव है आप लोगों के साथ, और स्किन टोन आपकी सेम लग रही है मेरी नाम या। अगर एक फेयर है तो दूसरा भी फेयर होगा, एक डार्क है तो दूसरा भी डार्क होगा। देन वी हैव रियल फीलिंग्स, यू शेयर ट्रू रोमांटिक फीलिंग्स वर्थ एक्सप्लोरिंग। ये पर्सन आपके साथ अपनी ट्रू रोमांटिक फीलिंग्स शेयर करना चाहता है। इसकी जो फीलिंग है वो काफ़ी रियल, काफ़ी प्योर है, काफ़ी मैजिकल कनेक्शन इस पर्सन को महसूस हो रहा है आप लोगों के साथ, और काफ़ी पैशन है, पोजेसिवनेस है आप लोगों के साथ इस पर्सन को जो महसूस हो रही है इस टाइम। मैरिज, वेडिंग बेल्स आर रिंगिंग, डेफिनेटली ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता है गाइस, आपको किस करना चाहता है, आपको अपनी दुल्हन दुल्हा बनाना चाहता है ये पर्सन। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं यहाँ पे। सो चलिए अब हम टैरो से देखेंगे आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं, उनके क्या करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं आप लोगों के लिए।
यहाँ पे भी कलर टोन्स सेम है, ठीक है, यहाँ पे भी सेम है। मोस्टली आप दोनों की स्किन टोन, कलर टोन सेम होगी। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनकी कलर टोन, स्किन टोन में जो है डिफरेंस होगा। यस, चलिए टैरो से देखते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इस टाइम उनके लिए करंटली क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की, क्या महसूस कर रहे हैं उनके लिए इस टाइम करंटली। ओके, सो फर्स्ट वी हैव नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देन वी हैव एट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। पेंटिकल्स की बहुत ज़्यादा एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अर्थ साइन। देन वी हैव द लवर्स, ओ लव्ड इट। जेमिनाई इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है। नंबर्स पे फोकस करिएगा गाइज, जैसे भी आपसे रेजोनेट हो आप लोगों ने वैसे लेने हैं। देन वी हैव द हर्मिट, नाइन। ऐसा लग रहा है आप दोनों सिंगल हो, बट आज की जो रीडिंग है वो सिंगल्स की रीडिंग ही है। लाइक आप भी सिंगल हो और ये पर्सन भी सिंगल है, मुझे यहाँ पे मैरिज नजर नहीं आ रही। सो बॉटम ऑफ द रैक है हमारे पास सिक्स ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। सिक्स नंबर इंपॉर्टेंट है, डबल सिक्स। डेफिनेटली ये पर्सन आपका जो है लवर है, पास्ट से पर्सन है, और ये पर्सन पास्ट की मेमोरीज भी बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है ये पर्सन। कुछ लोगों का यहाँ पे सोलमेट का कनेक्शन भी मुझे यहाँ पे अब टैरो से मैंने देखा तो फील हो रहा है, बट मोस्टली यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन है, स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा प्योर, बहुत ज़्यादा क्लीन, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। दिस पर्सन इज़ वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइज। ये पर्सन जो रीडिंग है ये ऑनेस्ट लोगों के लिए है, जो आपके पार्टनर्स आपके साथ जेन्युइनली सीरियस हैं और किसी रीज़न की वजह से आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट है यहाँ पे, ठीक है। बट ये पर्सन जो है गाइज, डेफिनेटली आप लोग दोनों ही सिंगल हो अपनी अपनी जगह पे, अपने अपनी लाइफ में आप लोग काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहे हो। ये पर्सन की तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, बट ये पर्सन को लगता है आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, ठीक है। आप लोग इस टाइम अपनी लाइफ में, ये पर्सन की फीलिंग्स हैं, इसको लगता है जैसे आप लोग काफ़ी ज़्यादा अपनी फाइनेंशली सिचुएशन को लेके काफ़ी सीरियस हो और काफ़ी ज़्यादा सेटल हो अपनी लाइफ में, ठीक है। और आप लोग हमेशा रिलेशनशिप पे वर्क भी अच्छे से करते हो, अंडरस्टैंडिंग हो आप, और ये पर्सन भी आपके साथ अंडरस्टैंडिंग्स डिवेलप करना चाहते हैं। आपको मिस कर रहे हैं, पास्ट की मेमोरीज, नॉस्टैल्जिक जो महसूस कर रहे हैं, ये पर्सन दोबारा से उस चीज़ को रियलिटी में चाहता है कि इन फ्यूचर आपका जो पास्ट गुजरा है फ्यूचर भी आपका उसी तरह से अच्छा हो जब आप लोग पहले मिले थे, या स्टार्टिंग पे जिस तरह का आप लोगों के साथ आपस में अच्छा कनेक्शन था, प्यार से रहते थे, प्यार की बातें करते थे, एक दूसरे को डेट करते थे, रिलेशनशिप पे बातें करते थे, आप लोग अपने फ्यूचर को डिस्कस करते थे, तो ये पर्सन अगेन आपके साथ वही बातें करना चाहता है और वही चीज़ फील करना चाहता है। रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं और इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अगर पहले जो आपका कनेक्शन एंड होने से पहले जो आप लोगों के दरमियान इम्बैलेंस सब चीज़ें हुई हैं, ये पर्सन उन सब चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। यस, एंड शादी करना चाहता है ये पर्सन आपसे, क्योंकि इसकी फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही हैं आप लोगों को लेके, डीपली कनेक्शन ये पर्सन महसूस कर रहा है और इसको लग रहा है आप ही एक पर्सन। बट ये रियलाइज इस पर्सन को अभी हुआ है, मतलब रिसेंटली, क्योंकि यहाँ पे द हर्मिट की एनर्जी है, द लवर की एनर्जी है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये, और इस पर्सन को रिसेंटली अभी ही इस पर्सन को ये चीज़ समझ आई है जब इसने सोल सर्चिंग की है। काफ़ी हद तक ऐसे लग रहा है इस पर्सन की अवेकनिंग चल रही है, इस पर्सन का लर्निंग टाइम चल रहा है इस टाइम, इसीलिए आप लोगों का सेपरेशन हुआ, ताकि ये पर्सन भी अपनी लाइफ में हर चीज़ को सीख सके, रिलेशनशिप की वर्थ वैल्यू को सीख सके, आप लोगों की वर्थ एंड वैल्यू को समझ सके, और आप लोगों को भी यही समझाने के लिए सेपरेशन हुआ आप लोगों का। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड इट। और अभी जब ये पर्सन से आपका कनेक्शन दोबारा बनेगा तो काफ़ी ज़्यादा पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा और डीप कनेक्शन बनेगा, और रिलेशनशिप वर्क तभी करेगा जब आप लोग दोनों सेम पेज पे होंगे, लाइक इक्वल आप लोगों की फीलिंग्स और इमोशंस होंगे एक दूसरे के लिए, ठीक है। या सो आपका ये पर्सन चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, फ्रेंड की यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ना, ये आपका फ्रेंड है, पास से है, हो सकता है काफ़ी पुराना कनेक्शन है, आप लोग चाइल्डहुड से हो सकता है एक साथ हो, यहाँ पे ये सिचुएशन भी लग रही है मुझे, बट ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है पर्सन, दोबारा कनेक्शन बनाना चाहते हैं आपके साथ। यस,
सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट की हो, पसंद आई हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बट यहाँ से मैंने लेटर्स या नंबर्स भी देखने ताकि आप लोगों को कन्फर्मेशन हो सके गाइस कि ये रीडिंग आप लोगों के लिए है, ठीक है। यहाँ पे किसी तरह से भी आपसे नंबर्स रेजोनेट हो सकते हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ, लाइफ पाथ नंबर, कार नंबर, हाउस नंबर, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका या लाइफ पाथ नंबर, उनका अपना नेम इनिशियल लेटर हो सकता है कोई भी, ठीक है। आप लोग देख लें, एक्स है ये डेफिनेटली आपका, यहाँ पे नंबर्स काफ़ी आ गए हैं बट लेटर्स नहीं आए। ओके, लेटर्स मैं और लूँगी कुछ, जैसे भी नेम बने उनका फर्स्ट लेटर बन सकता है कोई भी नेम का लेटर इनिशियल, नुमान, रिजवान, फरहान, जवेद, ये पर्सन डॉक्टर हो सकता है, यस डी आर डॉक्टर, आरजे, कुछ लोग आरजे भी हो सकते हैं, एस है समीर, ओ है, ये देख लें आप, कोई भी डेट बन सकती है, 25, 28, 23, 29, 26, 21, 30 प्लस एज है यहाँ पे, 99 मास्टर नंबर है यहाँ पे, हाउस नंबर, कार नंबर, कुछ भी नंबर आपसे जो मैच होता हो वो हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।